महादेव कहते हैं कि जीतने वाले आपसे अलग नहीं होते, वे बस बार बार हारने के बाद एक बार फिर प्रयास करने की हिम्मत रखते हैं, इसलिए वे अंततः जीत ही जाते हैं। जीतने से पहले आप लोगों से ये उम्मीद ना करें कि वे आपकी प्रशंसा करेंगे। लोग आपकी प्रशंसा तब करेंगे जब उन्हें लाख चुनौतियों के बाद भी जीत कर दिखाएंगे। मुझे लगता था कि मैं जीत जाऊंगा, इसलिए मैंने अपने काम में 100% नहीं दिया और मैं बुरी तरह से फेल हो गया। इसलिए अगर आपको लगे कि आप जीत जाएंगे तो आपको 100% नहीं अपना 200% देना होगा। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो बोलने से ज़्यादा लोगों को सुनना शुरू कर दें, क्योंकि हर कामयाब आदमी में बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत होती है। अगर आपको लगता है कि आपका सब कुछ बर्बाद हो गया तो आप बेवकूफ़ हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि जब तक शरीर में मांस है तब तक कोशिश की जा सकती है। आप हमेशा याद रखिए कि कोई काम छोटा नहीं होता, इसलिए आप छोटे से शुरू करें और उसे बड़ा बनाने का सपना देखें। आज नहीं तो कल आपके परिश्रम से आपका काम छोटे से बड़ा हो जाएगा। आप जीवन में कभी लालची मत बनिए, क्योंकि अक्सर लोगों की असफलता के पीछे उनका लालच ही होता है। इसलिए आप हमेशा अपने काम और उसके परिणाम से संतुष्ट रहिए, आपका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। अमीर बनना उनके लिए आसान हो जाता है जो सही माइंडसेट, सही शब्द और सही योजना के साथ अमीर बनने के लिए मैदान में उतरते हैं। अगर आप जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो आज से ही आप लोगों की कमियों पर बात करना बंद करें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। कल की बात करने वाले आज कुछ नहीं करते, इस तरह से उनका आज और कल दोनों बर्बाद हो जाते हैं। शायद ऐसे लोगों को ये नहीं पता होता कि आज ही कल है, कल ही आज है, कल है ही नहीं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कभी भी अपना काम कल पे ना टालें। यदि आप अपने काम में पूरी लगन के साथ लगे हुए हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी किस्मत आपका साथ देगी या नहीं। आप अपना भाग्य खुद तय करते हैं और जीत हासिल करते हैं। अब आपको इस बात पर पूरी तरह से भरोसा कर लेना चाहिए कि जीत किस्मत से नहीं, आपकी ईमानदारी से की गई कोशिश से मिलती है। किस्मत के सहारे चलने वाले हमेशा वही पाते हैं जो किस्मत उन्हें देती है। अगर ज़माना बहुत तेज़ी से भाग रहा है तो आपको ज़माने के साथ नहीं भागना चाहिए, बल्कि अपना खुद का रास्ता बनाना चाहिए ताकि आपकी सफलता पक्की हो सके। यदि ज़माने के साथ भागोगे तो आप कहीं ना कहीं भीड़ में खो जाओगे। सफलता हासिल करने वाले खिलाड़ी उतना ही सोते हैं जितना उन्हें ज़रूरत है, क्योंकि वो जानते हैं कि सफलता हासिल करने के लिए उन्हें सोने से ज़्यादा जागने की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप किसी की समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो आपको एक बार उस समस्या से ज़रूर गुजरना होगा, क्योंकि बिना गुजरे आप उस समस्या को सुलझा कैसे सकते हैं। हर कोई आराम की ज़िंदगी जीना चाहता है, शायद उन्हें नहीं पता कि आराम की ज़िंदगी वही जीता है जो मुसीबत को हरा कर जीतता है और अपने जीवन को आराम लायक बनाता है। सफलता हासिल करने के लिए हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है और लोग मेहनत करने से बचना चाहते हैं। यदि आप वाकई सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करने की आदत डालनी होगी, और ये आदत एक दिन में नहीं, बार बार कोशिश करने से पड़ती है। अगर आप में काम करने की आदत है तो आपकी किस्मत को आप पर भरोसा हो जाएगा और आपको वह सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। यदि आप मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको रास्ता तय करना होगा, और उस रास्ते को तय करने के लिए आपकी नज़र मंजिल पर होनी चाहिए, क्योंकि रास्ते तो ऊंचे नीचे भी हो सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना कि मंजिल तक पहुंचने वाले लोग रास्ते की परवाह नहीं करते। सफलता सिर्फ पढ़ने भर से नहीं बल्कि पढ़े हुए विषय पर रिसर्च करने से मिलती है। इसलिए आप इस गलतफहमी में ना रहें कि अधिक पढ़ने से सफलता मिलती है। यदि आप सफलता चाहते हैं तो आपको रिसर्च करने के लिए तैयार होना होगा। अगर आप अपना रास्ता बना चुके हैं तो आपको मंजिल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना यह है कि आपको अपने बनाए हुए रास्ते पर चलते रहना है।
बस चलते रहना है। सिर्फ मौन रहने से हर समस्या का समाधान नहीं निकलता, कभी कभी आपको बोलना भी पड़ता है, जब जाकर लोगों को आपकी बात समझ में आती है। क्या आप भी वर्तमान की स्थिति को लेकर शिकायतें करने के आदि हैं? यदि हाँ, तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा करके आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप शिकायत करने के बजाय इससे ऊपर उठने के लिए कुछ करें। यदि आप अपने खर्च काटकर बचाने के आदि हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आप कभी भी आर्थिक रूप से स्वतंत्रता नहीं पा पाएंगे। आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए आपको इनकम बढ़ाने का तरीका ढूंढना होगा। अगर आप ऊंची उड़ान तय करना चाहते हैं, तो आपको गिरने से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, बल्कि खुद से ये वादा करना चाहिए कि आप इस बार और ऊंची उड़ान भरेंगे। जिस तरह से आप ये जानते हैं कि आज नहीं तो कल आप मर जाएंगे, फिर भी जीना नहीं छोड़ते, ठीक उसी तरह से हार के डर से जीतने का प्रयास ना छोड़ें। अगर आप अपनी कमियों पर नज़र रखेंगे, तो आप कभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाएंगे। इसलिए आज से आप अपनी कमियों पर नहीं, अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान दें। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपकी कमियां भी अवसर में बदल जाएगी। अगर आप बिना मेहनत के सब कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं, तो आपको उन्हें गंवाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी आप बिना मेहनत के हासिल करते हैं, उनमें आधार नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा समय तक संभल नहीं पाता है। यदि आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको अपने सोच का दायरा बढ़ाना होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि छोटे पात्र में बड़ी चीज़ें नहीं आती, इसलिए बड़ा सोचो और बड़ा बनो। यदि जीवन में आने वाली समस्याओं को समस्या की तरह देखेंगे, तो यह आपको कभी सफल नहीं होने देगी। अगर आप इन्हें अवसर की तरह देखेंगे, तो आपको सफल होने के लिए कोई रास्ता मिल जाएगा। आरव एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। वो पढ़ने में बहुत अच्छा था। उसने 12 क्लास तक लगातार अपने स्कूल में टॉप किया था। उसके परिवार वालों को उस पर गर्व था। उसके माता पिता को यकीन था कि हमारा बच्चा बहुत आगे जाने वाला है। लेकिन 12वीं के बाद आरव कॉलेज में आ गया, तो उसकी पूरी लाइफ ही बदल गई। उसके ऐसे दोस्त बन गए कि वो पहले जैसा आरव नहीं रहा। अब वो पूरा बिगड़ गया था। वो घर वालों से झूठ बोलकर पैसे लेने लगा और अपने दोस्तों के साथ देर रात तक पार्टी करने लगा था। आरव के घर वालों को ये सब समझ में आ रहा था और उन्होंने कई बार आरव को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन आरव में कोई भी बदलाव नहीं आया। उल्टा वो घर वालों से कहने लगा कि आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे आपके ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, आप मुझे मेरे तरीके से जीने दीजिए। दिन ब दिन आरव और भी बिगड़ता जाता, लेकिन अब घरवाले उससे तंग आ चुके थे, इसलिए उसे कुछ नहीं बोलते। 6 महीने के बाद जब पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आया, तब आरव एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था। ये बात आरव के ईगो को हर्ट कर गई कि जो लड़का 12वीं तक टॉप करता आ रहा था, वो कॉलेज में कैसे फेल हो सकता है। ये फेल होने वाली बात उसके दिमाग में इतनी आ गई थी कि वो घर में बंद हो गया, एक कमरे में रहने लगा, घर वालों से बात करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि उसने दोस्तों के फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया और उसने बाहर आना जाना सब कुछ बंद कर दिया। आरव धीरे धीरे पूरी तरह से डिप्रेशन का शिकार बन चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ में अब करने के लिए कुछ नहीं बच रहा था। आरव जिस स्कूल में पढ़ता था, वहाँ के अध्यापक को ये बात पता चली। उन्होंने आरव को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया। आरव को डिनर पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन स्कूल के समय से उस अध्यापक का आरव के साथ अच्छा संबंध था और आरव मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो चला जाता है। अध्यापक के घर पहुंचकर आरव ने देखा कि उसके अध्यापक बगीचे में बैठे हैं। ठंड का मौसम था, इसलिए वो अपने हाथ तपा रहे थे। आरव अपने अध्यापक के साथ जाकर बैठ जाता है। अध्यापक ने उससे पूछा कि आरव बेटा, क्या हालचाल है, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। 15-20 मिनट हो गए, लेकिन आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। अध्यापक को लगा कि अब मुझे कुछ करना होगा। उन्होंने कोयले का जो टुकड़ा जल रहा था, उसे मिट्टी पे फेंक दिया। वो कोयले का टुकड़ा थोड़ी देर के लिए जलता रहा और बाद में बुझ गया। ये देखकर आरव बोला, आप ये क्या कर रहे हो, कोयले का टुकड़ा अग्नि में धधक रहा था और वो हमें गर्मी दे रहा था, आपने उसे बाहर मिट्टी में फेंक दिया और उसे बर्बाद कर दिया। अध्यापक ने कहा, मैंने कहाँ बर्बाद किया है। ऐसा बोलते हुए अध्यापक ने कोयले के टुकड़े को उठाया और उसे वापस अग्नि में डाल दिया। थोड़ी देर के बाद से फिर वो कोयले का टुकड़ा जलने लगा। अध्यापक ने कहा, बेटा मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ,
ये जो कोयले का टुकड़ा है वो तुम हो। जैसे ये कोयला मिट्टी में गिर गया था, वैसे ही तुम गलत संगति में पड़ गए थे। जैसे कोयले का टुकड़ा फिर से अग्नि में डालने से जल गया, वैसे ही तुम भी वापस ठीक हो सकते हो। तुम्हें बस इस कोयले के टुकड़े की तरह फिर से जलने की ज़रूरत है। तुम्हें अपनी जीवन शैली बदलनी होगी और दोस्ती भी बदलनी होगी। मैं तुम्हें बस इतना ही समझाना चाहता हूँ कि तुम गलत संगति में आ गए हो और तुम वापस पहले जैसे बन सकते हो। अध्यापक की बातें अच्छे से समझ चुका था और उसकी लाइफ बदल जाती है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।